हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया उसे रिवाइज कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल मीडियम पढ़े थे हमने, दो तरीके के ऑप्टिकल मीडियम थे, ऑप्टिकल रेयरर एंड ऑप्टिकल डेंसर। ऑप्टिकल रेयरर मीडियम ऐसे मीडियम होंगे जिसमें से लाइट इजीली ट्रेवल कर पाएगी, जैसे कि एयर का एग्जांपल दिया था मैंने आपको। सन से आने वाली जितनी भी लाइट रेज होती हैं वो इजीली एयर के थ्रू हमारी अर्थ तक पहुंचती है, मींस वैक्यूम के थ्रू हमारी अर्थ तक पहुंचती है। तो एयर एक कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है, जिसमें से लाइट इजिली पास कर पाती है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ऐसा मीडियम होगा जिसमें से लाइट को पास होने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था वॉटर या फिर ग्लास। वॉटर जो है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एज कम्पेयर टू एयर क्या होते हैं, थोड़े क्लोज पैक होते हैं, जिसकी वजह से लाइट को उसमें से पास होने में, वॉटर में से पास होने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास शीट क्या है, एक सॉलिड है, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स कह लो वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, तो इसलिए उसमें से लाइट को पास होने में और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट को पास होने में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ऐसे मीडियम को हम कहेंगे ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। और इसके एग्जाम्पल क्या है, वॉटर, ग्लास, हनी एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट While it goes from one medium to another medium। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो हमेशा बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक मीडियम ले लिया एयर, सेकेंड मीडियम ले लिया वॉटर। अब कोई लाइट रे आएगी एयर के थ्रू और वॉटर के अंदर एंटर करेगी, जैसे ही उसका मीडियम चेंज होगा, जैसे ही वो एयर से वॉटर में एंटर करेगी, वैसे ही क्या होगा, बेंड हो जाएगी, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब देखो ये कोई रे आई और आके सरफेस पे स्ट्राइक की, जिस सरफेस के जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो यहां पे मैंने क्या कर लिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब देखो लाइट को जाना चाहिए था कैसे, बिल्कुल सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो ये दो मीडियम है एयर एंड वॉटर, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे थी, ये जो इंसिडेंट हुई है लाइट, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये लाइन जो है इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और ये जो बेंड हो गई है लाइट रे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो हमने रिफ्लेक्शन के केस में हमने पढ़ा था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब देखो ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से ये नॉर्मल है और ये वाली रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। रिपीट करते हूं एक बार फिर से, देखो कोई लाइट रे आई आके इस सरफेस पे स्ट्राइक की, वाटर की सरफेस पे, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे स्ट्राइक की उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ओ, तो ओ से लेके ए तक ये जो रे है इसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट रे। तो ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक करेगी उसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ओ एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब लाइट को जाना चाहिए था स्ट्रेट, बट ये स्ट्रेट जाने की बजाय क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, इस डायरेक्शन में बेंड हो गई। ये जो रे है जो बेंड हुई है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो ओ से लेके बी तक का ये जो रे है इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद हमें पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो एंगल आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा इसको हम किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। और एंगल आर किसको बता रहे हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को बता रहा है।
अब आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े होंगे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, जैसे कि अगर हम किसी बाल्टी में सिक्के को डाल देते हैं तो वो सिक्का हमें ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण होता है। एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी ग्लास के अंदर हम पेंसिल को डिप करते हैं तो वो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो भी किसी का एग्जाम्पल है, रिफ्रैक्शन का ही एक एग्जाम्पल है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड कुछ केसेस डिस्कस करते हैं हम। देखो फर्स्ट केस क्या है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो किस डायरेक्शन में बेंड होगी? तो देखो ये हमने ले लिया, ये कोई सरफेस है जो इन दोनों को क्या कर रही है, अलग कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो अब देखो ऊपर हमने कहा रेयरर मीडियम, एग्जाम्पल ले लो, मान लो ऊपर क्या है एयर, नीचे है डेंसर मीडियम, मीन्स यहां पर आपने कह लिया वॉटर सरफेस। तो अब देखो कोई लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे आप स्ट्राइक करेगी वहीं पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया ओ एन, ये ओ बी क्या थी, इंसिडेंट रे थी। अब देखो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जाना चाहिए था इसको कैसे, बिल्कुल सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाने की बजाय ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, मीन्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, जाना चाहिए था इसको सीधा और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहां पर लिख सकते हो आप टूवर्ड्स द नॉर्मल। दोबारा से रिपीट करती हूं, जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। कोई भी इंसिडेंट रे आई, जहां पे स्ट्राइक करेगी वहीं पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और इस लाइट को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये कैसे बेंड हो जाती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब आपको पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको आप क्या कहते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से ये नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल जो होता है उसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो अब जो केस है जिसमें रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, इस केस में हमेशा एंगल आई जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, एंगल आर से। आप देख भी सकते हो यहाँ पे एंगल आई, इंसिडेंट एंगल क्या है, ज्यादा है, और रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, कम है। ये दोनों एंगल कभी भी इक्वल नहीं होंगे। सेकेंड केस है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तब किस डायरेक्शन में बेंड होगी? तो देखो हमने इस सरफेस से ऊपर लिया डेंसर मीडियम, आप कह सकते हो मान लो ग्लास, ग्लास से लाइट एयर क्या होता है, रेयरर मीडियम। अगर लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, मींस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो किस साइड बेंड होगी? तो देखो ये हमने इंसिडेंट रे ड्रॉ की, इस जिस पॉइंट पे आप स्ट्राइक की उस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी उसी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसी पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब देखो लाइट रे को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये ऐसे जाने की बजाय क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, क्योंकि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल से क्या हो गई, नॉर्मल से दूर बेंड हो गई, तो यहां पे लिख दो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेकंड केस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो किधर बेंड होगी? तो अब देखो हमने इस लाइन के इंटरफेस से ऊपर हमने लिया क्या, डेंसर मीडियम, एग्जांपल ले लो मान लो ग्लास, हम ग्लास लेके चल रहे हैं, और रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम का एग्जांपल ले लिया हमने एयर, कि अगर लाइट ग्लास से एयर में आएगी तो किस डायरेक्शन में बेंड होगी, अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो किधर बेंड होती है? तो देखो ये हमने कोई इंसिडेंट रे ड्रॉ की, कोई इंसिडेंट रे आई, जिस पॉइंट पे आके इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी उसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे दिया ओ एन, और इंसिडेंट रे को नाम दे दिया ओ ए। तो अब देखो लाइट को जाना चाहिए था कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट, बट ये ऐसे जाने की बजाय ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल था, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अब देखो आपको ये भी पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, ये वाली रे क्या है,
नॉर्मल और ये रे क्या है इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको किससे डिनोट किया जाता है आई से डिनोट किया जाता है। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम किससे डिनोट करते हैं आर से। तो इस केस में जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा कम होगा किससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। दोबारा से रिपीट करती हूँ एक बार इसी चीज को, देखो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन आफ्टर बेंडिंग वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और वहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा हमेशा कम होगा किससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। थर्ड केस है अब हमारे पास नो बेंडिंग या फिर हम कह सकते हैं नो रिफ्रैक्शन। तो देखो हमने ये सरफेस ली, इससे ऊपर फर्स्ट मीडियम, इससे नीचे क्या है सेकेंड मीडियम। अब देखो अगर लाइट रे नॉर्मली फॉल कर रही है, अगर सरफेस के ऊपर नॉर्मली फॉल करेगी तो ये जैसे आई वैसे की वैसे ही क्या हो जाएगी बिना बेंड हुए दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, मींस यहां पर कोई बेंडिंग नहीं होगी और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा जीरो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा वो भी जीरो होगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ, देखो यहाँ पे अगर कोई लाइट रे नॉर्मली आके फॉल कर रही है सरफेस के ऊपर तो वो बिना बेंड हुए एज इट इज क्या हो जाएगी दूसरे मीडियम में चली जाएगी, मींस यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं हुई। हम यही बोलते हैं कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है बेंड हो जाती है और इसी फिनोमिना को क्या कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं हुई तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे नो रिफ्रैक्शन केस। अब देखो एक बार तीनों को रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो कैसे बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड केस हमने डिस्कस किया अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। एंड थर्ड केस हमने डिस्कस किया नो बेंडिंग, अगर लाइट नॉर्मली आके फॉल करती है सरफेस के ऊपर तो बिना बेंड हुए एज इट इज दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं नो रिफ्रैक्शन।